बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या ये बड़ी खबर आ रही है, आप इसको जरा देखिए। बड़ी खबर ये देखिए, बेलारूस को लेकर, बेलारूस से यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। बेलारूस में रूस के MiG-31 SU-24 फाइटर जेट्स की तैनाती है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रशियन डिप्लॉयमेंट की। 19 जनवरी की रात रूस के 11 हेलीकॉप्टर भी बेलारूस पहुंच चुके हैं, तो इस बात को लेकर आशंका और प्रबल होती नजर आ रही है। अब थिंक टैंक ISW का बेलारूस से हमले को लेकर यह बहुत बड़ा दावा है जो सामने आ रहा है। रूस कभी भी बेलारूस के जरिए यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। रूस और बेलारूस की सेना ट्रेनिंग के साथ बड़े हमले के लिए रेडी है। बेलारूस के किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ रूस की MiG-31 SU-24 फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। साथ ही 19 जनवरी की रात 11 वॉर हेलीकॉप्टर्स भी बेलारूस पहुँच चुके हैं। बेलारूस में रूस का यह हैवी डिप्लॉयड जिस रात हुआ उसके ठीक पहले दिन में बेलारूस और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसे यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की आशंका और गहरा गई है।